नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मॉनसून के महीने में बारिश के लिए तरस रहे हैं बिहारवासी। इस दिन है 12वीं में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर बिहारवासियों को किया अलर्ट। रेल यात्रियों से खान पान का अधिक कीमत अब नहीं वसूल पाएंगे पेंट्री कार्ड। विराट के बचाव में उतरे रोहित शर्मा। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मॉनसून के महीने में बारिश के लिए तरस रहे हैं बिहारवासी। बिहार में इन दिनों दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। इसके बावजूद प्रदेश में फिलहाल गर्मी के मौसम जैसा माहौल है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश न के बराबर हुई है। बरसात न होने से औसत न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बिहार में मानसूनी बारिश को लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया है। इसमें आने वाले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना न के बराबर जताई गई है। मौसम के तल्ख मिजाज को देखते हुए खेतीबाड़ी के प्रभावित होने की आशंका भी गहराने लगी है। बारिश के मौसम में बिहार में व्यापक पैमाने पर की खेती की जाती है, लेकिन बारिश न होने की वजह से कृषि संबंधी गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल अच्छी बारिश होने के आसार नहीं है। हालांकि इस अवधि के दौरान प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। इन तीन जिलों में जमकर की गई छापेमारी। मध्य निषेध विभाग ने शनिवार की देर रात से लेकर रविवार तक व्यापक तौर पर छापेमारी की है। इस दौरान बिहार के तीन जिलों के करीब 46 ठिकानों पर छापेमारी की गई। राजधानी पटना सहित गया और नालंदा जिले में ये छापेमारी चली। इस दौरान 94,000 किलो जावा महुआ के साथ करीब 3,000 लीटर चुलाई शराब जब्त करते हुए उसे नष्ट किया गया है। इस दौरान शराब बनाने और बेचने वाले 79 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर इनमें से 300 पदाधिकारी कर्मियों को 50-50 की संख्या में 6 टीम बनाकर पटना, गया और नालंदा जिले के विभिन्न इलाकों में भेजा गया था। इस दिन है 12वीं में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख। बिहार बोर्ड 2022-24 सत्र में इंटर में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी सूचना है। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2022-24 सत्र में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी कल यानी 12 जुलाई तक OFSS की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। 5 जुलाई को आवेदन की अंतिम तारीख थी। वहीं CBSE और CISCE के छात्रों को 10वीं रिजल्ट जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया जाएगा। उनके लिए बोर्ड द्वारा दोबारा तिथि निकाली जाएगी। बिहार के आदित्य अजय बने JEE मेंस 2022 परीक्षा के टॉपर। JEE मेंस 2022 की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना है। JEE मेन रिजल्ट 2022 की घोषणा कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर JEE मेंस परीक्षा 2022 का रिजल्ट ऑनलाइन जारी कर दिया है। वहीं आदित्य अजय इस परीक्षा में बिहार से टॉपर बने हैं। आदित्य को 99.99% अंक प्राप्त हुआ है। आदित्य बिहार के पूर्वी चंपारण के छात्र हैं। इनके पिताजी अजय कुमार सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। इन्होंने JEE मेन की तैयारी कोटा से की है। अजगैबीनाथ से रवाना हुए हजारों कांवड़िया। कोरोना महामारी की वजह से शिव भक्तों का आखिरकार 2 साल का इंतजार खत्म हुआ और इसके साथ ही आज भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में आषाढ़ के अंतिम सोमवार को हजारों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर हजारों की संख्या में कांवड़िया अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा एवं बस यात्रा से रवाना हो गए हैं। मालूम हो कि 2 दिन बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला प्रारंभ होने वाला है। कांवड़ियों का जनसैलाब दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएगा। मुख्यमंत्री को जनता दरबार की आईना दिखा गया युवक। आज यानी सोमवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा। इस बीच एक ऐसा मामला आया जिसके बाद मुख्यमंत्री भी आश्चर्यचकित हो गए। सिवान से आए एक युवक ने जनता दरबार की हकीकत की सच्चाई बयां कर दी। सिवान के उस युवक ने कहा कि हम आपके जनता दरबार में 2021 में भी आए थे। हाई स्कूल की जमीन बचाने को लेकर आपसे फरियाद किए थे। इसके बाद आपने शिक्षा मंत्री को फोन कर समस्या के समाधान का निर्देश दिया था। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने वहां के DM को फोन कर जमीन को खाली कराने को कहा था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है।
इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, ये क्या हो रहा है, सरकारी स्कूल की जमीन से कब्जा अब तक नहीं हटा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में हो सकता है विलंब, सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में अभी और भी वक्त लग सकता है। दरअसल जिलों को नियोजन इकाई बार रिक्तियों की जानकारी 30 जून तक देनी थी, ऐसे में जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी से रिक्त पदों के सापेक्ष रोस्टर बिंदु के क्लियरेंस में विलंब होने की आशंका है। विभागीय जानकारों के मुताबिक रोस्टर क्लियरेंस में यह पूरा महीना लग सकता है, जबकि निदेशालय इसके लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई की थी। इससे सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तैयारी में देर होना संभव है। इसके अलावा नियोजन इकाई बार रिक्त पदों को NIC पोर्टल पर अपलोड करने में देरी हो सकती है, इसके लिए 25 जुलाई की तिथि तय की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर बिहारवासियों को किया अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि लोगों के सचेत होने का समय आ गया है, लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें और मास्क पहने तथा शारीरिक दूरी को नियमों में अपनाएं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यदि अभी से सावधानी नहीं बरती गई तो संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। बता दें कि कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 2000 के पार पहुंच गई है, जहां रविवार को राज्य में 421 नए संक्रमित मिले थे, इनमें सबसे अधिक राजधानी पटना में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जून के प्रारंभ में मामूली तेजी देखी गई थी, वहीं जुलाई के मध्य आते ही कोरोना ने बिहार में रफ्तार पकड़ लिया है। करकटगढ़ जलप्रपात के पास फंसे सैकड़ों पर्यटक, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात के निकट पिकनिक मना रहे लोगों ने भी अमरनाथ जैसी ही घटना का अनुभव किया है। दरअसल बीते दिन यहां पिकनिक मनाने के लिए आए करीब 100 से अधिक लोग कर्मनाशा नदी के दूसरी छोर पर फंस गए। दरअसल अचानक से कर्मनाशा नदी की जलस्तर बढ़ गई, जिससे करीब 100 की तादाद में लोग नदी के दूसरे छोर पर फंस गए। हालांकि पुलिस और रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। वहां के स्थानीय थानेदार ने यह जानकारी दी है कि यहां फंसे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। रेल यात्रियों से खान पान का अधिक कीमत अब नहीं वसूल पाएंगे पेंट्री कार्ड। ट्रेन में पेंट्री कार्ड अब यात्रियों से किसी भी तरह के खान पान सामग्री के लिए ज्यादा पैसे नहीं वसूल पाएंगे। इसके लिए रेलवे ने अब खास व्यवस्था की है। IRCTC की ओर से पेंट्री कार्ड कर्मी को खान पान सामग्री का रेट चार्ज लगा ID दिया गया है, ताकि यात्रियों को रेट के लिए परेशानी नहीं हो। यात्री मेनू कार्ड देख कर ऑर्डर कर सकते हैं। उसके गले में लटके ID में QR कोड दिया गया है, उस QR कोड का मोबाइल पर फोटो खींच स्कैन कर यात्री खान पान सामग्री की कीमत का ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पेंट्री कार्ड कर्मियों को बिल देना अनिवार्य है, तभी यात्री भुगतान करेंगे। आयुष्मान योजना से जुड़ने से गरीब मरीजों को होगा लाभ। देश सहित बिहार में सरकार रोटी मकान के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी खास ख्याल रख रही है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी राशन कार्डधारियों का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सहायता राशि दे रही है। उक्त बातें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने अक्षत सेवा सदन में आयोजित स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के एक कार्यक्रम के दौरान कही है। अक्षत सेवा सदन के आयुष्मान योजना से सूचीबद्ध होने का लाभ गरीब मरीजों को मिलेगा। अब यहां गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज इस योजना के तहत होगा। कार्यक्रम में बिहार स्वास्थ्य समिति के डिप्टी सेक्रेटरी अमिताभ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई ऑफिसर शामिल हुए। महिला सिपाहियों को देना होगा कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट। राज्य में हाल ही में डायल 112 शुरू हुआ है, वहीं आपातकालीन सेवाओं के लिए शुरू किए गए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम में तैनाती को इच्छुक महिला पुलिस कर्मियों को कंप्यूटर स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होगा। ऐसी महिला सिपाही जो कॉल रिस्पॉन्स एसोसिएट की निर्धारित शर्तों की परिधि में आती हैं, उनके लिए इस टेस्ट का आयोजन किया गया है। टेस्ट के बाद ही डायल 112 में प्रतिनियुक्ति के लिए इनका चयन किया जाएगा। वहीं 12, 13, 14 और 15 जुलाई को यह स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया है। इसके बाद टेस्ट के लिए उन्हें राजधानी पटना भेजने को कहा गया है। मालूम हो कि अब पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की सेवा के लिए अलग अलग डायल करने की बजाय अब सिर्फ 112 नंबर पर फोन करना है। बिहार में चर्चे में है ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल। बिहार में इस साल जून में प्रायः सभी विभागों ने सरकारी ट्रांसफर और पोस्टिंग में रिकॉर्ड बनाया है। मालूम हो कि जून और दिसंबर महीने में मंत्री के आदेश पर स्थानांतरण और पदस्थापन होता है, बाकी के महीनों में इसके लिए मुख्यमंत्री के आदेश की जरूरत पड़ती है। मार्च 2020 से पड़ी कोरोना के मार में सब कुछ ठहर गया। हालांकि अब कोरोना की स्थिति में सुधार होते ही कई विभागों ने रिकॉर्ड तोड़ तबादले किए हैं। इस बीच PHED ने ताबड़तोड़ तबादले किए, जिसमें 34 कार्यपालक अभियंता के साथ 40 कनीय अभियंता शामिल थे। इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने भी
दर्जन भर ट्रांसफर और पोस्टिंग का रिकॉर्ड बनाए। साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 91 अधिकारी और 82 प्रखंड विकास पदाधिकारी और पदस्थापन और स्थानांतरण किया गया। वहीं 30 जून को एक आदेश पर करीब 143 बाल विकास पदाधिकारी बदल दिए गए। इसी के साथ साथ लगभग कई विभागों ने रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर किया है। विराट के बचाव में उतरे रोहित शर्मा। भारतीय टीम को रविवार को इंग्लैंड के हाथों तीसरे और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में 17 रन की शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि भारतीय टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इस बीच कोहली ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए 6 बॉल में 11 रन बनाकर चलते बने। वहीं जब कप्तान रोहित से विराट के बारे में पूछा गया तो रोहित शर्मा ने कहा कि आपको हर रोज ऐसे प्रदर्शन देखने को नहीं मिलते हैं, तो टीम के रूप में हम इसे दोनों हाथों से लेंगे और मुझे भरोसा है कि विराट कोहली जल्द ही फॉर्म में लौटेंगे। जब वो इस तरह की स्थिति में खेलने के लिए जाएंगे तो हमारी प्रतिक्रिया देखकर वो बहुत खुश होंगे। सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार। कोरोना वायरस के लिए पिछले हफ्ते बढ़े हुए मामलों पर ब्रेक लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सोमवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,678 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन के दौरान 14,629 लोग कोविड-19 से ठीक भी हो गए हैं। बीते 24 घंटों में 26 लोगों की कोरोना से जान भी गई है। भारत में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 1,30,713 है। हालांकि आज कोरोना के केस भी बीते दिनों से कम आए हैं और रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। देश में फिलहाल कोरोना रिकवरी रेट 98.50% दर्ज की गई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार प्रसाद, उमेश ऋषिदेव, अनीता कुमारी, रंजीत मिश्रा, प्रमोद कुमार, गोल्डन मिश्रा और सिद्धार्थ कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपका क्षेत्र भी भीषण गर्मी की चपेट में है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।